महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार के लिए अब चंद घंटे बाकी हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। ऐसे में तमाम दलों के दिग्गज प्रचार में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हरियाणा के ऐलानाबाद में जनसभा को संबोधित किया, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की महाराष्ट्र में रैलियां हो रही हैं। कांग्रेस एनसीपी समेत सभी दलों के दिग्गज भी आज कई चुनावी सभा कर रहे हैं। आइए शुरुआत करते हैं हरियाणा से। हरियाणा विधानसभा की सभी 90 सीटों के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। मतदान 21 अक्टूबर को और मतगणना 24 अक्टूबर को होगी। प्रचार के आखिरी दिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के सिरसा जिले के ऐलानाबाद में अपनी पहली रैली की। ऐलानाबाद में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर को बड़ी उपलब्धि बताते हुए कहा कि बीजेपी सरकार गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के इस महान क्षण, इस ऐतिहासिक क्षण से पूरी दुनिया को परिचित कराने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर के लिए कोई पहल ना करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति और आस्था का कभी सम्मान नहीं किया। करतारपुर कॉरिडोर करीब करीब तैयार हो चुका है। साथियों, आजादी के 7 दशक बाद ये अवसर आया है। 70 साल बीत गए। 1947 में जो बंटवारे की रेखा खींचने के लिए जिम्मेदार थे, क्या उनको ये ख्याल नहीं था कि सिर्फ 4 किलोमीटर के फासले से भक्तों को गुरु से अलग नहीं किया जाना चाहिए? इसके बाद भी 70 सालों में क्या इस दूरी को मिटाने के प्रयास कांग्रेस की सरकार को नहीं करने चाहिए थे? लेकिन कांग्रेस और उसके कल्चर से जुड़े दलों ने हिंदुस्तानियों की आस्था, परंपरा और संस्कृति को कभी मान नहीं दिया। हरियाणा में विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का युग समाप्त हो चुका है। प्रधानमंत्री ने खट्टर सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि हरियाणा में नौकरियों में पारदर्शिता आई है। हर वर्ग के युवाओं को अपनी योग्यता से नौकरियों के अवसर मिल रहे हैं। कोई विधवा मां जिंदगी भर मेहनत करके अपने बेटे बेटी की पढ़ाई करवाती थी और सोचती थी कि पढ़ लिख करके बेटे बेटी को कहीं नौकरी मिल जाएगी, लेकिन जब पढ़ाई पूरी होती थी तो पता चलता था कि बिना लेती देती नौकरी नहीं मिलती है। अगर आपका हक है तो आपको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? फिर खर्ची काहे को, पर्ची काहे को भाई? ये खर्ची और पर्ची ये हरियाणा में हमेशा ताला लगा दिया हमने दोस्तों। हरियाणा में पारदर्शी चुनाव कराने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है। क्या है पुलिस की तैयारी और कैसी है सुरक्षा व्यवस्था, इस बारे में हरियाणा के एडीजीपी नवदीप सिंह विर्क से बात की हमारे संवाददाता रविंद्र श्योराण ने। हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं हरियाणा पुलिस के एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क। सर, क्या तैयारियां की गई है चुनाव के लिए पुलिस की तरफ से? देखिए, हरियाणा का चुनाव जो इलेक्शन कमीशन ने 21 सितंबर को अनाउंस किया था और हम उससे पहले ही तैयारियों में जुटे हुए थे। 21 सितंबर के बाद हमने एक स्पेशल कैंपेन चलाया जिसमें जो पीओ बेल जंपर पकड़ने के लिए और जो वांटेड क्रिमिनल पकड़ने के लिए, इसके अलावा जो हमारे पेंडिंग नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं उनको पकड़ने के लिए, इलिसिट लिकर, इलिसिट आर्म्स,
कैश ये सबको पकड़ने के लिए हमने कैंपेन चलाया और उसमें अभी तक हमारे पास करीबन 12 करोड़ से ज्यादा की वैल्यू के जो ड्रग्स और कैश इस तरह की रिकवरी हो चुकी है। इसके अलावा हमने वी हैव डिप्लॉयड अराउंड 57,000 पुलिस पर्सनल एंड होमगार्ड पर्सनल ऑन इलेक्शन ड्यूटी। पुलिस पर्सनल इंक्लूड्स द सीएपीएफ एज वेल। अपार्ट फ्रॉम दिस जो 57,000 हमारे पुलिस और होमगार्ड पर्सनल हैं, इसके अलावा 130 सेंट्रल पैरामिलिट्री कंपनीज वो अलग से हमें एमएचए ने प्रोवाइड की हैं, इनको हमने ड्यूटी पे लगाया है। सभी जिलों में जो इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज लगा ली गई हैं और जो उनको एडिशनल फोर्सेज अवेलेबल करानी थी सेंट्रल लेवल पे या दूसरे यूनिट से वो हमें प्रोवाइड करा दी गई है। कुछ वल्नरेबल बूथ जो हैं या वहां पर किस तरह का अरेंजमेंट किया गया? देखिए पूरे जो हम हरियाणा के 23 जिले हैं उसमें जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर वल्नरेबल और क्रिटिकल बूथ्स का एनालिसिस किया और 83 क्रिटिकल बूथ्स और 2921 वल्नरेबल बूथ्स मिले हैं। टोटल 3004 का ये फिगर बैठता है और वहां पर हम तीन चार जो मेजर्स ईसीआई ने बताए हैं उसमें से एक या दो मेजर्स हर जगह लिए जाएंगे। और इस मामले में और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोराण इस वक्त अंबाला से जुड़े हैं। सीधे रुख करते हैं रविंद्र का। रविंद्र, अब प्रचार में चंद घंटे ही शेष रह गए हैं और ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के जो दिग्गज हैं वो अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल अंकिता, देखिए कुछ चंद घंटे बचे हैं जिसके बाद यहाँ पर चुनाव प्रचार वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद डोर टू डोर कैंपेन करना पड़ेगा नेताओं को और उम्मीदवारों को। इसलिए अंतिम चंद घंटों में तमाम राजनीतिक दल अपना पूरा जोर आजमाइश कर रहे हैं और जनता तक अपनी बात पहुंचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दो अलग अलग रैलियां हरियाणा में आज निर्धारित हैं, जिनमें एक सिरसा में जो रैली हुई है एक रेवाड़ी में कुछ देर बाद होगी। देखिए सिरसा का अपना महत्व है, सिरसा चौधरी देवीलाल का परिवार का एक जिला है जहां पर लंबे अरसे से उनके परिवार का आधिपत्य रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वहां पर रैली करने का आखिरी दिन मतलब यही है कि किसी तरीके से वहां का जो वोट बैंक है उसमें एक बड़ी सेंध लगाकर बीजेपी के पक्ष में करना। दूसरा इलाका जो है रेवाड़ी, वो अहिरवाल का इलाका उसको माना जाता है और जो दक्षिणी हरियाणा है उसका वो क्षेत्र है, वहां पर पहले से ही बीजेपी को लगातार बढ़त पिछले चुनाव में मिली थी। उसके अलावा बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी बढ़त वहां से हासिल की थी, तो बीजेपी उस इलाके में और मजबूती के साथ अपने पैर जमाने की कोशिश कर रही है। उसी क्रम में कल महेंद्रगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने रैली की थी और उसके अलावा तमाम दिग्गज जो है वो आज अलग अलग स्थानों पर जेजेपी के भी और कांग्रेस के भी वो रैलियां कर रहे हैं। अगर चुनाव आयोग की बात की जाए तो क्योंकि चंद घंटे चुनाव में वोटिंग डालने के लिए भी बच गए हैं, चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें पूरी कर ली हैं और तमाम तैयारियां जो हैं वो खत्म कर ली गई हैं और अब हर तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग हर संभव कोशिश करने के बाद अब मतदाताओं से अपील की जा रही है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में चुनाव में वोट डालने के लिए आए। बिल्कुल रवींद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और हरियाणा के पंचकुला विधानसभा सीट पर पूर्व उप मुख्यमंत्री चंद्रमोहन बिश्नोई के मैदान में आने से मुकाबला काफी रोचक हो गया है। बीजेपी जहां विकास के नाम पर वोट मांग रही है तो वहीं कांग्रेस भेदभाव का आरोप लगा रही है। चुनावी मौसम में पंचकुला के विकास का मुद्दा जोर शोर से उठ रहा है। लोगों का कहना है कि शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के दावे नेताओं ने भले ही हर चुनावों में किए लेकिन पंचकुला में आज भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार चंद्रमोहन का दावा है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने भरपूर काम किए हैं। जहां 40-40 घर थे लेकिन रोड नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहां बिजली पहुंचाई, सड़कें पहुंचाई, तो हमने हर संभव प्रयास किया कि उनको पिछड़े हुए इलाके को हम कम से कम मेन स्ट्रीम तक तो लेके आए, वो हमने किया था, जो हमारी अचीवमेंट थी। ऐसे बहुत से कार्य डिस्कस करेंगे, बहुत अधिक समय लगेगा। इस बार बीजेपी ने ज्ञानचंद गुप्ता को मैदान में उतारा है जो स्थानीय समस्याओं के समाधान का भरोसा दिला रहे हैं। इस बार जो हमारा नारा है 75 पार
उसको हम पूरा करेंगे और बहुमत से दोबारा अपनी सरकार हम हरियाणा प्रदेश में बनाने जा रहे हैं। लोकल जो हमारे यहाँ के विधायक हैं आदरणीय श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनके पिछले 5 साल के कार्यकाल में तकरीबन 2000 करोड़ के काम पूरे विधानसभा में हुए। पंचकूला में लगातार बढ़ती आबादी और ट्रैफिक की समस्या इन दिनों आम है। लोग ट्रैफिक जाम से निजात, ट्रैफिक लाइट लगवाने, ओवर ब्रिज के निर्माण और सीवरेज सिस्टम को ठीक कराने की मांग कर रहे हैं। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। और अब बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आज शाम विधानसभा चुनाव का प्रचार थम जाएगा। सभी राजनीतिक दल वोटरों को लुभाने के लिए लगातार रैलियां कर रहे हैं। गृह मंत्री ने अमित शाह ने महाराष्ट्र की नवापुर में आज जनसभा को संबोधित किया। देश में कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, पाकिस्तान से न जाने कितने आतंकवादी घुस जाते थे, अपने जवानों की हत्या करते थे, उनके सरों को काट कर ले जाते थे, पैर से अपमानित करते थे, मगर देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह अपने मुंह से चूर चार हिम्मत है। नरेंद्र मोदी की सरकार आई और उरी पर हमला कर दिया। मित्रों, उरी पर हमला किया तो पाकिस्तान को लगा क्या होने वाला है, मगर वो भूल गए कि देश में सरकार बदल चुकी है। अब मौनी बाबा मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जनजाति कल्याण की शुरुआत अटल सरकार के दौरान हुई। रैली में संबोधन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में सरहद से आतंकवादी देश में घुसते थे, लेकिन कांग्रेस सरकार मौन रहती थी। अब हमारी सरकार मुंह तोड़ जवाब देती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में रोड शो किया और इस दौरान लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। फडणवीस नागपुर साउथ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। महाराष्ट्र ने देश भर में सामाजिक परिवर्तन को दिशा दी है। पिछले दिनों सरकार ने सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ अनूठी पहल करते हुए कानून भी बनाया, हालांकि फिर भी राज्य में महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे चुनावों में उठ रहे हैं। महाराष्ट्र में सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए पिछले दिनों एक अहम पहल की गई। इसके तहत अब पंचायतों की ओर से सामाजिक बहिष्कार के फरमान को दंडनीय अपराध बना दिया गया है। आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ महाराष्ट्र में समय समय पर सामाजिक परिवर्तन भी होते रहे हैं। ये कई संतों की जन्मभूमि रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र की सरकार ने सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ एक नया कानून बनाकर देश भर के सामने एक मिसाल पेश की। ये कानून सामाजिक बहिष्कार की कुरीति से निपटने के लिए महाराष्ट्र में सामाजिक बहिष्कार प्रतिबंधक कानून 2015 पारित किया गया। महाराष्ट्र ने सोशल रिफॉर्म को लेकर कानून भी बनाया, उसे सफलतापूर्वक इम्प्लीमेंट भी किया और आने वाले दिनों में हमारी सरकार से ये भी एक आशा है कि इसे और मजबूत बनाए ताकि महाराष्ट्र में जो सोशल रिफॉर्म का जो इतिहास है उस पर दाग नहीं लगे। हालांकि अब भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नए कदम उठाने की दरकार है। महिलाओं का कहना है कि विकास को गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है। विमेन एम्पावरमेंट के लिए एटलीस्ट रूरल एरियाज़ में फिर भी काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं, वेदर इट इज़ SMEs और दो स्मॉल इंडस्ट्रीज, बट फिर भी काफ़ी हद तक सेफ्टी विमेन की इतनी नहीं है। इवन इन द सिटी ऑफ मुंबई गवर्नमेंट क्लेम्स तो आते रहते हैं कि इतने स्कूल्स बना दिए, इतनी लड़कियों को एडुकेशन दे दिया, पर वो उनका फॉलोअप होता है कि टीचर्स आ रही हैं, पढ़ा रही हैं,
डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, तो मुझे लगता है कि अभी भी उसमें काफ़ी प्रोग्रेस होना बाकी है। बीते दिनों राज्य में कई आंदोलन भी हुए, चाहे वो दलित आंदोलन हो या फिर मराठा आंदोलन, जिनके बाद मौजूदा सरकार ने कई नई पहल की। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, मुंबई।